पटना मेट्रो का नया लोगो तैयार करने के लिए अब आम जनता की मदद लेने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें आम जनता अपनी क्रिएटिविटी से बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए लोगो तैयार करेगी और जिसका लोगो सबसे अच्छा होगा उसे मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से इस तरह के लोगो की डिमांड की गई है जो कि पटना के कल्चर का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही भविष्य में ट्रेवलिंग को लेकर होने वाले क्रांतिकारी बदलाव की भी उसमें झलक हो। पटना मेट्रो का नया लोगो बनाने वाले को 50,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को लोगो डिजाइन बनाकर उसे JPEG या PDF फॉर्मेट में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ईमेल आईडी mail.pmrcl@gmail.com पर भेजना होगा। मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से साफ किया गया है कि मेट्रो के नए लोगो में कोई भी भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री नहीं होनी चाहिए। एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही लोगो भेज सकेगा, जिसने लोगो बनाया है उसी को भेजना होगा। इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि ये लोगो कहीं से भी चोरी नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इसका साइज 4x4 इंच का होना चाहिए। लोगो की इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। डिजाइन सबमिट करने की लास्ट डेट 27 जुलाई है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में किसी भी उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी से इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज के रूप में 50,000 रूपए, दूसरे नंबर पर 25,000 रूपए और तीसरा नंबर आने पर 11,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।